हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास बेस्टा विजन कंपनी का एक लोकल कंपनी का एक 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सोल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसका कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टैंड बाय से ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद कैसे वाला पिक्चर आ रहा है देखिए। जो हमारा एक वर्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारा हॉरिजेंटल एक लाइन आता है, लेकिन इस पर हॉरिजेंटल एक सिंगल लाइन नहीं है, थोड़ा सा हमारा पिक्चर है और हमारा अप और डाउन साइड पे हमारा पिक्चर शॉर्टेज हो गया है और मिडिल साइड पे पिक्चर मुड़ गया है। इस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए जो सोल्यूशन होता है वो देखने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और तब तक क्या करूँगा, मैं टीवी को खोल लूँगा और खोल के देखूँगा इसका प्रॉब्लम कहाँ से होता है। दोस्तों ये ज़्यादातर हमारा वर्टिकल सेक्शन से ही होता है। वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज शॉर्टेज हो जाएगा तो इससे वाला प्रॉब्लम होता। वर्टिकल आईसी शायद ख़राब नहीं है, क्योंकि वर्टिकल आईसी शायद ख़राब होता तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सिंगल लाइन पे आ जाता। ठीक है, जो भी हो वो देखने के लिए पहले टीवी को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये देखिए 14 इंच का ट्यूब है, इसका योक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों ये नॉर्मल सा सीआरटी ट्यूब नहीं है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का पहले वाला जो टीवी होता था उसका ट्यूब है और इसको ये वाला पीसीबी लगा के इसको लोकल टीवी बनाया गया है। और दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है वो हमारा वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे वर्टिकल आईसी लगाया गया है, वर्टिकल आईसी से जो सिस्टम है, वर्टिकल सिस्टम है, वो सिस्टम का प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों देखिए ये जो हमारा वर्टिकल सिस्टम है, जैसे हमारा पहले हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज आता है और वोल्टेज आने के बाद क्या होता है, हमारा वर्टिकल आईसी पे आता है। वर्टिकल आईसी को हमारा मेन आईसी सेंस देता है और सब सेंस देने के बाद हमारा वर्टिकल जो हमारा पॉइंट दिया गया है योक पॉइंट, उस पॉइंट से हमारा वर्टिकल काम करता है योक कॉइल पे। ठीक है, जो ये ऐसी जो रनिंग है वो रनिंग पॉइंट का प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों देखिए मैं एक एक चीज़ को चेक करूँगा, जैसे वोल्टेज चेक करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। मैं टीवी को पावर दे दिया और पावर देने के बाद एक एक करके वोल्टेज चेक कर लेंगे। जैसे पहले पावर सेक्शन को चेक करेंगे, जैसे पावर सेक्शन से निकल के आता है 26 वोल्ट या 28 वोल्ट, देखिए 28 वोल्ट आता है। और उसके बाद दोस्तों हमारा वर्टिकल आईसी पे पहुंच जाता है हमारा वही वोल्टेज। इस पे हमारा 27.3 बता रहा है, इस पे 28 बता रहा है, क्योंकि ए वाला डायोड के थ्रू ए वाला वोल्टेज शो करके दिया गया है। ठीक है, ए वोल्टेज भी सही है। उसके बाद दोस्तों हमारा मेन आईसी से जो सेंस निकलता है उसको चेक करेंगे। जैसे इस वाला पॉइंट पर शो करता है, देखिए 4.5 बता रहा है और इस पर आउटपुट करता है 3.4। इस पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और ये जो हमारा 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट से सप्लाई दिया गया है। इस पर देखिए ये वाला 8 वोल्ट हमारा सप्लाई, ये वाला 8 वोल्ट सप्लाई, 8 वोल्ट से सप्लाई दिया जाता है, 3.3 तक वोल्टेज दिया जाता है। ये देखिए 3.4 वोल्ट बता रहा है, जो हमारा मेन प्रोसेस आईसी पे गया है ये वाला 3.4 वोल्ट। मतलब 3.4 वोल्ट हमारा वर्टिकल आईसी को दिया गया है जो 8 वोल्ट से, और हमारा मेन आईसी से भी वोल्टेज दिया गया है। और उसके बाद ये योक कॉइल का वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे इस पर वोल्टेज देखेंगे, देखिए 13.8 बता रहा है, 14 वोल्ट बता रहा है, और इस पर भी देखेंगे 14.1 बता रहा है। मतलब हमारा सभी तरह का वोल्टेज हमारा सही बता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे वाला छोटा वाला पिक्चर होके रह गया है। इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है वो देखने के लिए पहले देखिए अच्छी तरह से गौर कीजिए। ये पीसीबी को पलट लूँगा तो इस पर कुछ कैपेसिटर लगाया हुआ है। जैसे देखिए ये हमारा 110 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, 160 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है, और ये हमारा 28 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वोल्टेज का, इस पर लगाया गया है जो वोल्टेज, सॉरी दोस्तों ये वाला 28 वोल्ट का वोल्टेज, ये हमारा 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है, इस पे हमारा 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है,
इस पे हमारा 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारे योक कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा 1000 यूएफ का 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है वो देखिए, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए हमारा आईसी के साथ कनेक्टेड है। ये वाला कैपेसिटर C457 का जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर इसके थ्रू हमारा योक कॉइल के साथ कनेक्टेड है। और इसका दूसरा छोर कहाँ पे कनेक्टेड है देख लीजिए, ये हमारा वर्टिकल के साथ कनेक्टेड है। देखिए वर्टिकल के साथ कनेक्टेड, मतलब दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। क्यों ख़राब हो चुका है बता रहा हूँ, ये देखिए ऊपर साइड से इसको थोड़ा सा फूल गया है। देखिए ये तो सही है, एसी ए भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा फूल गया है। मतलब ये काम करना अंदर से ख़राब हो चुका है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। उसके पहले क्या करेंगे, उसका जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। जैसे इस पर 27 मिल रहा है, 28 वोल्ट मिल रहा है, इसका पहले नंबर पॉइंट पे देखिए हमारा पॉजिटिव पॉइंट पे 13.6 बता रहा है, और इस पे बता रहा है हमारा 0। ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और ये हमारा वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है 13 point something। और इसके बाद एक कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने जो कैपेसिटर को ओपन किया था, देखिए 1000 यूएफ का 25 वोल्ट का कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर का देखिए पीछे साइड से फूल के ऊपर आ गया है, और ये देखिए ये सिरा भी हमारा फूल गया है, इसीलिए ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। ये कैपेसिटर को चेंज करेंगे और दूसरा एक कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए ये 1000 यूएफ का 20 वोल्ट का ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर को इस पर कनेक्ट कर देंगे, जैसे था वैसे ही कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। दोस्तों मैंने नया वाला कैपेसिटर को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद फिर से टीवी को पावर देंगे। जैसे देखिए मैं पावर दिया, और पावर देने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे जैसे जितना वोल्टेज था वही वोल्टेज है। ये देखिए ये थोड़ा सा 79 हो गया है, 18 वोल्ट पे जगह पे 28 के जगह पे, और इस पर मैं बता रहा था 27.2 आया, और इस पर 28 वोल्ट आ रहा था, उस पर 27.7 आ गया है। और उसके बाद दोस्तों इस पर चेक करेंगे हमारा जो वर्टिकल थ्रो कर रहा है इस वाला पॉइंट पे, इस पर मिल रहा था 4.5, इस पर मिलेगा 3.4, वही सेम वोल्टेज है। उसके बाद इससे चेक करते हैं जो हमारा 13 point something बता रहा था, इस पर 14.5 आ गया है, और ये थोड़ा सा वोल्टेज इस पर भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए 14.5 बता रहा है, 14.5 बता रहा है, क्योंकि दोस्तों ये 14.5 बता रहा है, इसका इनपुट पे जो वोल्टेज है जो वर्टिकल आईसी पे 27.1, मतलब इसका आधा इस पर मिलेगा, आधा समथिंग इस पर मिलेगा, 24.6 मिल रहा है। और मिलने के बाद दोस्तों हमारा देखिए टीवी का पिक्चर पूरी तरह से सही हो गया है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर हमारा फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था वोल्टेज को, और फिल्टरिंग नहीं होने के कारण ही हमारा पिक्चर शॉर्टेज हो गया था। इसीलिए ये वाला कैपेसिटर को चेंज कर देने के बाद हमारा वोल्टेज भी सही हो गया है, और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो जंपिंग हो रहा है हमारा कैमरे की वजह से हो रहा है, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा पिक्चर पूरी तरह से स्टैंड है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।